जेएनयू में एक बार फिर लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग के बहस के बीच कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां दीवारों और कुछ दरवाजों पर लिखे गए, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और इसमें इस बार जाति विशेष को भी टारगेट किया गया है संघ के साथ साथ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू के अध्यक्ष रोहित हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला था। जिस तरह से यह घटना हुई है उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं और उसके बाद वीसी ने जांच के भी आदेश दे दिए हैं, किस तरह से इसको देख रहे हैं आप लोग और क्या आगे कार्रवाई चल रही है? जी, कल रात के अंधेरे में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो लगातार पिछले 2014 के बाद से ऐसी चीज़ें लिखते आ रहे हैं, उन्होंने फिर से एक बार प्रोफेसर्स के चैम्बर पे, चाहे वो नलिनी महापात्रा सर हों, चाहे राज यादव मैम हों, चाहे डॉक्टर प्रवेश चौधरी सर हों, चाहे डॉक्टर वंदना मिश्रा मैम हों, ये वही वंदना मिश्रा हैं जिनको इन्होंने 2019 में 8 नवंबर को 3 दिन के लिए कैद कर लिया था, हॉस्टेज बना लिया था, ना इनको खाने दिया ना वॉशरूम जाने दिया। तो ऐसे करके इनको टारगेट करके इंटिमिडेट करने की कोशिश की गई है। और जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस बिल्डिंग हो, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ हो, या स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज हो, जिनकी 3 बिल्डिंग हैं, ऐसे तमाम 7 से 8 बिल्डिंग में ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनियों को हम बदला लेंगे, खून बहाएंगे, हम बदला लेंगे, हम मारेंगे, मतलब जेनोसाइडल रिमार्क्स और साथ में कास्टिस्ट और डिवाइसिव रिमार्क्स, ऐसी चीज़ें अब्यूजेस लिखी गई हैं। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ये लोग 2016 में नारा दे चुके हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो ये सारी बातें इसी ओर इंगित करती है कि एक कॉमन पैटर्न है, कॉमन लोग हैं, एक ही लोग हैं जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, वही इन सारी चीज़ों में विलिप्त रहती हैं। जब हाईकोर्ट का ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, इसके बाद भी ये चीज़ें हो रही है और हम लोग जो विद्यार्थी परिषद, चाहे वो डीन हो, चाहे चेयरपर्सन हो, चाहे वीसी हो, वहाँ तक इस बात को मेमोरेंडम ज्ञापन के थ्रू, चिट्ठियों के थ्रू, कई बार कंप्लेंट्स के थ्रू बता चुके हैं, फिर भी ये चीज़ें रुक नहीं रही है। तो हमारा, हम तो यही मानेंगे ना कि वीसी हो सकता है कहीं ना कहीं जेएनयू प्रशासन का इनके साथ मिली भगत हो, अगर कार्रवाई नहीं हो रही, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है तो। लेकिन वाइस चांसलर ने जांच के आदेश दिए, छात्र संगठन होने के नाते आप लोग इस घटना को किस तरीके से ले रहे हैं, आगे कैसे प्रोसीड करेंगे अगर आप प्रशासन से संतुष्ट नहीं है कि वो काम या कार्रवाई ठीक से नहीं कर रहे हैं तो? जी बिल्कुल, हम संतुष्ट नहीं है। हो सकता है कि हम छात्र समुदाय को बुला करके वीसी के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करें कि आप तुरंत एक्शन लीजिए, क्योंकि वो सिर्फ नारे नहीं है, उसके अलावा ऐसे आपत्तिजनक पोस्टर्स भी हैं जो अभी मीडिया में नहीं आया, ऐसे गंदे गंदे भद्दे एकदम नग्न तस्वीरों वाले पोस्टर्स हैं, सुसाइडल मैसेजेस हैं हॉस्टल के दीवारों पे, मतलब जो पढ़ के एक निगेटिविटी आए, सुसाइड करने का मन करे, ऐसी चीज़ें जो मेंटली डिप्रेसिंग चीज़ें भी लिखी गई हैं। ये तो गाली देना किसी को, ये सब तो मतलब उसके सामने कुछ नहीं लगता है, जो सुसाइडल मैसेजेस इन्होंने लिखे हैं, जो गंदे गंदे बात, भारत विरोधी बात इन्होंने लिखा है। तो हमारा ये मानना है कि जेएनयू प्रशासन ने जो संज्ञान में लिया है वो उतना ही काफ़ी नहीं है, इनको एक्शन लेना होगा, क्योंकि इनके पास तमाम अपैरेटस है। अगर जेएनयू प्रशासन चाहे तो 1 घंटे में एक्शन ले ले, 1 घंटे में सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे। सिक्योरिटी के लोग हैं, किन्होंने लिखा उनको पता है, रात को सिक्योरिटी लगती है, सीसीटीवी कैमराज हैं। इस तरह के एलिमेंट्स आपको क्या लगता है कि कैंपस के विदिन ही मौजूद हैं या फिर कुछ बाहर से भी लोग आते हैं जो कि इस तरह की चीज़ों को अंजाम देकर चले जाते हैं और छात्रों का नाम बीच में सामने है? नहीं नहीं, जो पैटर्न में जिस तरीके से लिखा गया है वो कैंपस के ही लोगों ने लिखा है, और जो ये लगातार लिखते आ रहे हैं, बाहर के लोगों को इतना आसान नहीं है, उनको एक डर भी रहता है, परंतु हाँ, बाहर के लोग इनको सपोर्ट जरूर करते हैं, जिनके कारण से इनका मनोबल बढ़ता है और ऐसी चीज़ें, ब्राह्मण और बनिया, मतलब जाति सूचक बातें लिखने का इनका हौसला बढ़ जाता है। तो साफ तौर पर आप जिम्मेदार ठहराते हैं लेफ्ट विंग के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को? साफ तौर पे कोई भी रैशनल माइंड का इंडिविजुअल होगा उसको क्लियर दिख जाएगा कि कौन से लोग लगातार ऐसी चीज़ें करते आ रहे हैं, जेएनयू के को बदनाम करके किनको फ़ायदा हो रहा है। नॉर्मल स्टूडेंट को तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उनको तो आगे चल के बदनामी ही झेलनी पड़ेगी कहीं नौकरी लेने जाएंगे। तो ऐसे ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो स्पेशली लेफ्ट से बिलोंग करते हैं उनका तो सीवी बढ़ता जा रहा है ना, तो ऐसे क्लियर कट ये पता चलता है कि लेफ्ट के लोग इस चीज़ को अंजाम देने में सबसे आगे रहते हैं। धन्यवाद उनसे बातचीत करने के लिए। तो ये रोहित थे जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं। इनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और वो लगातार वाइस चांसलर हो या फिर जेएनयू प्रशासन हो, उनको ये लोग लिखित में अपनी समस्या बताते रहे, शिकायतें भी करते रहे, लेकिन कार्रवाई त्वरित रूप से नहीं हुई, जिसके कारण ऐसे लोगों को मनोबल मिलता है और वो बार बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। रोहित ने हमें यह भी बताया कि कुछ इस तरह के भी पोस्टर्स वहां पर मौजूद हैं जिनको, जिनकी तस्वीरें अभी तक बाहर सोशल मीडिया में भेजी भी नहीं गई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश जेएनयू में इस तरीके से हुई है कि माहौल ख़राब हो, और उसकी वजह से निश्चित रूप से छात्रों पर प्रभाव पड़ता है। हालाँकि वाइस चांसलर ने इसका संज्ञान लेते हुए जाँच के आदेश जरूर दिए हैं, लेकिन छात्र संतुष्ट नहीं है। छात्रों का कहना है कि वह इसको आगे भी लेकर जाएंगे, इस मामले को उठाएंगे, और अगर इस बार जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई
दोषियों पर नहीं होती है, क्योंकि तमाम सबूत इकट्ठा करने के लिए व्यवस्था मौजूद है, सीसीटीवी कैमरे हैं, तो ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन अगर इस बार ठोस कार्रवाई नहीं होती है ऐसे छात्रों पर, तो वह आगे भी सोचेंगे, यानी कि विरोध प्रदर्शन भी जेएनयू में वो कर सकते हैं वाइस चांसलर पर, प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए। कैमरा पर्सन नदीम के साथ टीवी 9 भारतवर्ष के लिए मैं अभिजीत ठाकुर। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल टीवी 9 दिल्ली एनसीआर, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9DelhiNCR, वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9DelhiNCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9DelhiNCR।